दोस्तों सुपर मॉडल और हॉलीवुड स्टार पामेला एंडरसन इस साल अपना 57वां जन्मदिन मना रही हैं। 1989 में अपने मॉडलिंग करियर की शुरुआत करने वाली पामेला मशहूर प्लेबॉय मैगजीन के कवर पर सबसे ज्यादा नजर आने वाली मॉडल हैं। 1992 में उन्होंने टेलीविजन सीरीज बेवॉच में केसी जीन पार्कर का रोल किया, जिससे उन्हें असल फेम मिला। हालांकि उनकी पर्सनल लाइफ कई कंट्रोवर्सी में घिरी रही। बचपन में पिता से परेशान रही, फिर सेक्सुअल अब्यूज झेला, 6 शादियां की पर कोई भी लंबे वक्त तक नहीं टिकी। पामेला इन सभी चीजों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ती रही। तो दोस्तों आइए जानते हैं पामेला की कंट्रोवर्शियल लाइफ से जुड़ी कुछ खास बातें। 1967 में कनाडा में जन्मी पामेला की मां कैरोल एंडरसन वेट्रेस थी। उनके पिता बैरी एंडरसन भट्टियों की मरम्मत का काम करते थे। पिता जुआरी और शराबी थे और आए दिन पामेला की मां के साथ मारपीट करते थे। ऐसे में पामेला, उनका भाई और मां पिता से अलग होकर रहने लगे। पामेला जब महज 6 साल की थी तब उनकी मां ने एक महिला को पामेला और उनके भाई की देखभाल करने के लिए रखा था। इस बेबी सिटर ने ही पामेला को सेक्सुअली अब्यूज किया। करीब 4 साल तक पामेला अपने भाई को बचाने के लिए ये सब सहती रही। एक दिन वो उस बेबी सिटर से इतनी प्रताड़ित हो गई, उन्होंने उससे कहा कि वो चाहती है कि वो मर जाए। अगले ही दिन उस बेबी सिटर की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। पामेला आज तक खुद को उसकी मौत का जिम्मेदार मानती है। पामेला ने एक इंटरव्यू में बताया था कि टीनेज में उन्हें हमेशा बैड बॉयज ही पसंद आए। उनके पहले बॉयफ्रेंड ने उनके साथ बुरा बर्ताव किया, दूसरे बॉयफ्रेंड ने उन्हें चीट किया। 14 साल की उम्र में उन्होंने तीसरा बॉयफ्रेंड बनाया, जिसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उनका गैंगरेप किया। हालांकि पामेला मेंटली इतनी स्ट्रांग थी कि वो अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करती रही। आखिरकार एक फुटबॉल मैच के दौरान उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। साल 1988 में पामेला वैनकूवर शिफ्ट हो गई और वहां उन्होंने फिटनेस इंस्ट्रक्टर के तौर पर काम करना शुरू किया। इसी बीच एक दिन वो एक फुटबॉल मैच देखने पहुंची। वहां पामेला और उनके सभी दोस्त एक लिकर कंपनी की टी शर्ट पहने हुए खड़े थे। कैमरामैन ने भीड़ में खड़ी पामेला के फेस पर कैमरा जूम कर दिया। कुछ दिनों बाद उस लिकर कंपनी ने पामेला को पोस्टर गर्ल बनने का ऑफर दिया। इसी साल 22 साल की उम्र में पामेला को मशहूर प्लेबॉय मैगजीन की तरफ कॉल आई। मैगजीन उन्हें अपनी कवर गर्ल बनाना चाहती। वैसे तो पामेला अब तक रिकॉर्ड 14 बार इस मैगजीन के कवर पेज के लिए फोटोशूट करवा चुकी थी, पर इसकी शुरुआत आसान नहीं थी। पामेला को इस शूट के लिए कनाडा से लॉस एंजलिस जाना था। उन्होंने एक्साइटमेंट में एयरपोर्ट ऑफिशियल्स को बता दिया कि वो अमेरिका में शूट करने जा रही हैं। बतौर कैनेडियन पामेला को अमेरिका में काम करने की इजाजत नहीं मिली। ऑफिशियल्स ने उन्हें फ्लाइट में चढ़ने नहीं दिया। पामेला ने पूरे आउटफिट्स चेंज किए और दूसरी फ्लाइट से अमेरिका जाने की कोशिश की। उन्हें फिर से पकड़ लिया गया। इसके बाद उन्होंने बस से कनाडा से अमेरिका तक का सफर तय किया। इस दौरान पूरे रास्ते वो दुआ करती रही कि बॉर्डर चेकिंग के दौरान वो पकड़ी न जाए। पामेला जब अमेरिका में प्लेबॉय मैंशन पर पहुंची तो वहां की चकाचौंध भरी जिंदगी देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, मैं उस जगह को देखकर हैरान थी। अचानक मैंने खुद को दुनिया के मशहूर सेलेब्स और खूबसूरत महिलाओं के बीच घिरा हुआ पाया। इसके बाद मैंने खुद को ट्रांसफॉर्म करने का फैसला किया। यकीनन बचपन से मॉलस्ट होती आ रही पामेला काफी शर्मीली और शांत हो चुकी थी। उनके लिए प्लेबॉय जैसी बड़ी मैगजीन के लिए बोल्ड फोटोशूट करवाना आसान नहीं था। ये उनके लिए एक डार्केस्ट चैलेंज की तरह था। 1990 में पामेला प्लेमेट बनकर प्लेबॉय मैगजीन का परमानेंट हिस्सा बन गई। इस डील के बाद उन्होंने लॉस एंजलिस में अपार्टमेंट खरीदा और वहीं शिफ्ट हो गई। मॉडलिंग के साथ पामेला ने एक्टिंग में भी हाथ आजमाया। 1992 में उन्होंने टेलीविजन सीरीज बेवॉच में केसी जीन पार्कर का रोल किया, जिससे उन्हें फेम मिला। जब बेवॉच ग्लोबल सेंसेशन बना तो पामेला हॉटेस्ट सेलिब्रिटी बनी। इसके बाद उन्होंने बेवॉच द मूवी, स्कूबी डू और स्कैरी मूवीज जैसी कई फिल्मों में भी काम किया। पूरी दुनिया के साथ साथ हॉलीवुड सुपरस्टार सिल्वेस्टर स्टैलोन भी पामेला के दीवाने थे। उन्होंने पामेला को एक ऑफर भी दिया था और वादा किया कि अगर वो उनकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हो जाती हैं, तो वो पामेला को एक पोर्श और एक घर देंगे। पामेला ने सिल्वेस्टर के इस ऑफर को ठुकरा दिया था। आखिरकार 1994 में पामेला उस लड़के से मिली जो उन्हें पाने के लिए सब कुछ करने को तैयार था। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि अमेरिकन म्यूजिशियन टॉमी ली था। दोनों की मुलाकात एक क्लब में हुई थी। सिर्फ 4 दिनों की मुलाकात में ही पामेला ने टॉमी से शादी कर ली। 1994 में पामेला अपनी पहली फिल्म बार्ब वायर पर काम कर रही थी। तब एक्ट्रेस को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। हालांकि इसके बावजूद भी वो हर दिन 18 घंटे टाइट कॉर्सेट पहनकर काम करती रही। इस दौरान उन्होंने किकबॉक्सिंग सीन भी शूट किए। एक दिन एक्ट्रेस सेट पर बुरी तरह कांपने लगी। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया तो पता चला कि उनका मिसकैरेज हो गया। 1995 में पामेला के घर से एक अलमारी चोरी हो गई थी। इस अलमारी में उनका और उनके पति टॉमी ली का सेक्स टेप भी रखा था, जो 1997 में
इंटरनेट पर वायरल हो गया था और पामेला ने वीडियो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी पर केस भी किया था। इस ट्रायल के दौरान एक्ट्रेस प्रेग्नेंट थी, वो केस का स्ट्रेस लेने के लिए तैयार नहीं थी, ऐसे में उन्होंने इसे वापस ले लिया था। कहीं लोगों का तो यहां तक मानना है कि पामेला और टॉमी ने कंपनी के साथ एग्रीमेंट करके अपना सेक्स टेप वायरल करवाया था। हालांकि पामेला ने हमेशा इस आरोप को नकारा था। इस केस के चलते पामेला का बहुत मजाक बना और उनका प्रोफेशनल करियर लगभग खत्म हो गया। सेक्स टेप कांड के कुछ साल बाद पामेला ने टॉमी पर मारपीट का आरोप लगाया, जिसके चलते उन्हें 6 महीने की जेल हो गई। 1998 में दोनों ने तलाक ले लिया। कपल को अपने दोनों बच्चों की ज्वाइंट कस्टडी मिली। टॉमी से अलग होने के बाद पामेला ने 5 और शादियां की, पर कोई भी लंबे वक्त तक नहीं चल पाई। पामेला ने 2006 में दूसरी शादी किड रॉक से की। 2007 में दोनों का तलाक हो गया। पामेला की तीसरी शादी 2007 में रिक सोलोमन से हुई, 1 साल बाद तलाक हुआ। 2014 में दोबारा शादी हुई, सिर्फ 1 साल ही चली। पांचवी बार एक्ट्रेस ने 20 जनवरी 2020 को प्रोड्यूसर जॉन पीटर्स से शादी की। दोनों ने 1 फरवरी को 12 दिन बाद ही तलाक ले ली। पामेला ने छठी शादी अपने बॉडीगार्ड डैन हेहर्ट से की। 2020 में दोनों ने शादी की, ये 2 साल चली और 2022 में दोनों का तलाक हो गया। पामेला ने 2010 में इंडियन रियलिटी शो बिग बॉस के 4th सीजन में भी भाग लिया था। वो इसमें मेहमान के तौर पर 4 दिनों के लिए घर के अंदर रही थी, जिसके लिए उन्होंने 2.5 करोड़ रुपए वसूले थे। पामेला टीनेज में बेहद खूबसूरत थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपने फेस की प्लास्टिक सर्जरी करवा ली, जिससे उनका फेस बिगड़ गया। इन दिनों वो एनिलम राइट्स के लिए काम करती हैं, साथ ही कुछ फिल्मों और टीवी शोज में भी नजर आती हैं। 2023 में उनकी लाइफ के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री पामेला अ लव स्टोरी रिलीज हुई थी। तो दोस्तों, पामेला की जिंदगी से जुड़ी ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।